हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवेंथ हिंदी फर्स्ट 15 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है मुतांदी। मुतांदी कौन था? मुतांदी एक व्यक्ति का नाम था जो एक रसोइया था। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चित्तियार एक जमींदार थे और उन्हें सब लोग राजा साहब कहते थे। राजा साहब बहुत चतुर थे, उनकी प्रसिद्धि जगह जगह फैली हुई थी। राजा साहब का एक इकलौता बेटा था शंकरन। शंकरन को बड़े लाड़ प्यार से पाला गया था और उसको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। जब शंकरन की पढ़ाई पूरी हो गई बेटा, तो वो भारत वापस आया और सरकारी अधिकारी बन गया। अब राजा साहब के घर में मुतांदी नाम का एक रसोइया बहुत पुराना था, तो वो बहुत मेहनती था और राजा साहब उसका बहुत सम्मान करते थे। तो घर के लोग मुतांदी से नौकर की तरह व्यवहार नहीं करते थे, वो उसको एक घर का सदस्य समझते थे। जब शंकरन ने जब से होश संभाला तब से उसने मुतांदी को अपने पास देखा। अब उसको उसने मुतांदी की बात मुतांदी ने विवाह भी नहीं किया था, उसने पूरा जीवन अपना इन्हीं राजा साहब के घर पर ही बिता दिया और उसका खाना पीना रहना सब राजा साहब के घर पे ही होता था। राजा साहब उसे माह में 25 रुपए देते थे, जिससे वो अपने घर खर्च में भी नहीं खर्च करता था और एक रुपया भी वो धीरे धीरे रुपए जमा करता गया। राजा साहब जब ईश्वर को प्यारे हो गए तो मुनीम जी ने मुतांदी को आप जब से जुड़े 10,000 रुपए दिए। मुतांदी ने बहुत मना किया पर मुनीम जी नहीं माने। मुतांदी ने उस रुपए से अपने गांव में घर और ज़मीन खरीद ली और उसने राजा साहब का घर नहीं छोड़ा। अब शंकरन जब कलेक्टर बन गया तो उसका तबादला तिरुचि हो गया। तो मुतांदी ने शंकरन से विवाह की बात कही, उसने उसकी बात मान ली और विवाह के लिए वो तैयार हो गया। जब उसका विवाह हुआ तो घर में जब उसकी बहू आती है तो मुतांदी मन ही मन बहुत खुश हो जाता है कि राजा साहब नहीं रहे, लेकिन हमने अपनी उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब शंकरन का घर बस जाता है। अब बेटा आज आपका ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। बेटा ये सब दर्द हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है होमवर्क में, और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। थैंक यू क्लास।